हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों के लिए बीए फाइनल ईयर के अंदर जो आपके पास में पब्लिक एड का पेपर होने वाला है 20 तारीख को और एक होना वाला है 24 तारीख को, दोनों ही पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे इस वीडियो में। देखिए, तो पहला जो पेपर है वो उसके मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम सेक्शन सी से प्रारंभ करेंगे, सेक्शन सी और सेक्शन बी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो सेक्शन ए है उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से पूछ लिए जा सकते हैं, इसलिए सेक्शन सी और सेक्शन जो बी है वो इम्पोर्टेंट रहता है। और ये भी आपको बता दूं कि पैटर्न पिछले साल जैसा ही है, जो एडमिट कार्ड आए हैं उसके अंदर जो डिफाइन कर रखा है उसमें पैटर्न पेपर पैटर्न बता रखा है। तो आप लोगों को जो सेक्शन सी में से भी अटेंड करना है एक क्वेश्चन, सेक्शन बी में से 3 क्वेश्चन और सेक्शन ए में से 7 क्वेश्चन इस तरीके से अटेंड करने हैं आप लोगों को 1.5 घंटे के अंदर ही। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये, पब्लिक एड के बच्चों के लिए तैयारी को आपकी रेगुलर स्टार्ट करने के लिए। और कमेंट करके अगर आपने मुझे बताया कि हाँ मैडम आप लाइव क्लास लीजिए, हम ज्वाइन करेंगे, 10 कमेंट आएंगे तभी मैं अपनी आपके आप लोगों के लिए लाइव क्लास लूँगी, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला जो है आपके पास में तुलनात्मक प्रशासन प्रशासनिक संस्थाएं, इसमें जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन सी के लिए, तुलनात्मक लोक प्रशासन को परिभाषित करना है और इसके स्वरूप व क्षेत्र की व्याख्या करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन। और विकसित समाजों की विशेषताएं वर्णित कीजिए, तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र में FW RICS के योगदान का उल्लेख करना है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति की शक्तियां वो पद स्थिति की चर्चा करनी है, फ्रांस के अध्यक्ष शासन व्यवस्था को समझाना है, फ्रांसीसी प्रशासन की विशेषताएं वर्णित कीजिए, स्वीडन में ओम्बुड्समैन क्या है अथवा ओम्बुड्समैन को परिभाषित कीजिए व बताइए कि किस प्रकार के कार्य करता है, भारत में लोकपाल पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो ये आपके पास में जो बड़े क्वेश्चन है इसके लिए, ठीक है। बड़े क्वेश्चन में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताती हूँ पहला क्वेश्चन, और आपके पास में थर्ड क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट रहेगा, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, चौथा क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, और भारत में लोकपाल पर विस्तृत टिप्पणी। ये वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी से भी आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आपके पास में सेक्शन बी में चलते हैं, रिक्स द्वारा प्रतिपादित कृषि औद्योगिक प्रतिमान से आप क्या समझते हैं, समझाइए। रिक्स के बाजार कैंटीन मॉडल से आप क्या समझते हैं, ये समझाना है आपके सेकेंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में विधि के शासन से आप क्या समझते हैं, विधि के शासन की प्रमुख 3 विशेषताएं। क्वेश्चन 4, भारत के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति पर संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन 5, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन 6, USA के राज्य प्रशासन की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। फिर है आपके पास में क्वेश्चन 7, फ्रांस में ENA क्या है। क्वेश्चन 8, ब्रिटिश ट्रेजरी राजकोष के संगठन पर टिप्पणी लिखो, या फिर ब्रिटिश में राजकोष क्या है ये लिखना है। USA में शासन की शीर्षहीन शाखा से आप क्या समझते हैं और कौन से डिटाट क्या है, ठीक है। तो ये आपके पास में फ्रांस की राज्य परिषद के संगठन को स्पष्ट कीजिए, ओम्बुड्समैन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, भारत में लोकपाल पर संक्षिप्त टिप्पणी, संस्थात्मक शासन प्रणाली की विवेचना। तो ये आपके पास में 13 क्वेश्चन ये आते हैं, और वहां पर मैंने आपको 8 क्वेश्चन लिखवाए हैं, लेकिन उसमें से 4-5 क्वेश्चन आप जो मैंने आपको बताए हैं अभी बोल करके वो कर लेंगे। तो आप लोगों के लिए सेक्शन बी और सेक्शन सी ये आप लोगों के पास में कंप्लीट रहेगा, तुलनात्मक प्रशासनिक संस्थाओं का, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया है फर्स्ट आपके पास में पेपर। अब हम बात करते हैं सेकेंड पेपर की, पब्लिक एड में सेकेंड पेपर की। तो इसके अंदर सेक्शन सी के आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, आधुनिक राज्य में स्थानीय स्वशासन के अर्थ व महत्व को स्पष्ट करना, नगरीय स्थानीय संस्थाओं के में कार्मिकों की वर्गीकरण, भर्ती एवं पदोन्नति का विवेचना करना, ग्राम सभा के संगठन शक्तियों एवं भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात नगरीय संस्थाओं के विभिन्न स्तरों के संगठनात्मक परिदृश्य का प्रस्तुतिकरण, राजस्थान में नगरीय संस्थाओं की आय के विभिन्न स्रोतों की विवेचना, ठीक है। अब आपके पास में सेक्शन बी में चलते हैं। देखिए, नगरीय संस्थाओं में वित्तीय संकट की विवेचना, स्वायत्तता, जवाबदेहता शब्द को परिभाषित करते हुए उनके संबंध को बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन, BDO के कतिपय कार्यों का संकेत दीजिए, मतलब उनके कार्यों को लिखना है आपको। सेक्शन बी के चल रहे हैं हमारे पास में 7 नंबर के क्वेश्चन जो आपको 3 अटेंड करने हैं,
जो पहले वाले में क्वेश्चन में मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं, उसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेंड करना है। स्थानीय शासन के कार्मिकों की गति पर समस्याओं का संकेत कीजिए, यानी कि स्थानीय शासन में जो कार्मिक होते हैं उनके उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर आता है राजस्थान में ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन। स्थानीय शासन और स्थानीय स्वशासन में भेद करना है। छावनी मंडल पर टिप्पणी लिखनी है। नगर निगम के मुख्य कार्यों की विवेचना और स्थानीय शासन निदेशालय के क्या कार्य हैं। तो ये आपके पास में क्वेश्चन, इसमें से 7 क्वेश्चन आपके पास में 100% आ जाएंगे। उसके बाद में आपके पास में सेक्शन ए, स्थानीय स्वशासन का अर्थ या अवधारणा। कौन सी संस्थाएं लोकतंत्र की पाठशाला कहलाती हैं। ब्रिटिश काल के स्थानीय स्वशासन के उद्देश्य क्या थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने निकाले हैं और इनमें से आपके पास में टॉपिक जरूर से आएंगे, तो इनको भी आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, मतलब करने हैं आपको, इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कहूँगी कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप अपनी तैयारी पूर्ण रखिए, ठीक है। अब ब्रिटिश काल के स्थानीय स्वशासन के उद्देश्य क्या थे। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान लिखिए। नगर पालिका अध्यक्ष के कार्य, नगर निगम एवं नगर परिषद के मध्य अंतर को स्पष्ट करना है। नगर पंचायत से आप क्या समझते हैं। चुंगी, मेयर की शक्तियां, बंदरगाह न्यास, एकल उद्देश्य अभिकरण, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, इनके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। तो ये आपके पास में आ जाते हैं। 12 टॉपिक मैंने आप लोगों को दिए हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो क्लासेस उपलब्ध रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को पब्लिक एड के बड़े क्वेश्चन समझाए जाएं एक एक करके, एक एक टॉपिक लेकर के, तो जरूर करके कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी अवेलेबल करवाऊंगी। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।